सुबह सुबह की भाग दौड़ में कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हैं और जल्दी भी बन जाए, तेल भी बहुत कम लगे, तो क्या बनाया जाए? सब्जी रोटी ब्रेकफास्ट में बना दें तो सभी के मुंह बन जाते हैं, कोई इसे खाना नहीं चाहता। तो हमारे पूर्वज एक बड़ी अच्छी बात कह गए हैं, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो हमें उंगली को टेढ़ी कर लेना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि सब्जी रोटी में लगने वाले सामान को ही हम यूज करके एक ऐसा ब्रेकफास्ट, ऐसा नाश्ता बनाएं, एकदम हेल्दी, कम तेल वाला, बहुत ही टेस्टी सा ना ब्रेकफास्ट बना करके तैयार करें, जिसे बड़े क्या बच्चे भी मांग मांग करके खाएं। तो देखिए, काफ़ी लेयरों वाला ये ब्रेकफास्ट हमने बना करके तैयार किया है, बहुत ही टेस्टी और यूनिक सा ये ब्रेकफास्ट है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो एक पैन में मैंने एक चम्मच तेल डाल दिया है, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच जीरा हम डाल देंगे। जीरा और सौंफ अच्छे से भून जाए तब यहाँ पर दो मैंने थोड़ी बड़ी आकार का प्याज लिया है और इसे एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इस प्याज को भी हम इस जीरा और तेल के साथ अच्छे से भून लेंगे और प्याज को हम खूब अच्छे से भूनेंगे ताकि इसके अंदर का पानी भी मर जाए और प्याज भी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब प्याज फटाफट से पानी छोड़ दे अपना, इसलिए इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो देखिए, मैंने नमक डाला है तो प्याज हमारी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें मैं दो चम्मच लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाल दूंगी। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ दो छोटे आकार का मैंने टमाटर ले लिया है जिसकी मैंने प्यूरी बना लिया है, आप बारीक बारीक काट करके भी इसमें डाल सकते हैं। अब इन चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। जब अच्छे से ये भून जाए तब यहाँ हम कुछ मसालों को ऐड कर लेंगे। यहाँ मैंने एक चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाला है, एक चम्मच धनिया का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, एक चम्मच के करीब मैंने यहाँ गरम मसाला डाला है और एक चम्मच हम यहाँ पर अमचूर का पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है फ्रेंड्स। अब इसे एकदम अच्छे से हम पानी सूखने तक पकाएंगे, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, इसमें हमें दिक्कत होगी। अब यहाँ मैं दो चम्मच बेसन डाल दे रही हूँ फ्रेंड्स। बेसन डालने से होगा ये कि जो भी थोड़ा बहुत इसमें पानी होगा, बेसन सारे पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा, पी लेगा और हमारी फिलिंग एकदम ड्राई सी बन करके तैयार हो जाएगी। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से हमें इसे भुनना है फ्रेंड्स। यहाँ आप ना चाहें तो गाजर, कैप्सिकम, बीन्स, जिन सब्जियों में पानी थोड़ा कम होता है ना, उस सब्जियों का भी यूज कर सकते हैं। अब आधा कप मैंने यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है फ्रेंड्स, आप फ्रेश कोकोनट भी डाल सकते हैं। इस कोकोनट से ना इसका टेस्ट एकदम बहुत ही बढ़िया सा निखर करके आता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए, मैंने इसे एकदम पानी सूखने तक ड्राई कर लिया है। अब यहाँ थोड़ी सी मैं एक मुट्ठी हरी धनिया भी डाल दूंगी और इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लूंगी। तो बहुत ही बढ़िया से इसे हमें भून करके ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है, अब इसे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। अब यहाँ मैं दो कप गेहूं का आटा ले रही हूँ फ्रेंड्स, ये दो कप है गेहूं का आटा और इसमें दो चम्मच मैं चावल का आटा डाल रही हूँ क्रिस्पीनेस के लिए। अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, चावल के आटे की जगह आप थोड़ा सा बेसन भी दो चम्मच डाल सकते हैं। अब यहाँ बहुत थोड़ा सा नमक और एक चम्मच तेल डाल करके हम खूब अच्छे से डो को लगा लेंगे। हमें इस डो को बहुत कड़क भी नहीं लगाना है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं लगाना है, एक मीडियम सा डो हमें तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने इस तरह से आटे को लगा करके तैयार कर लिया है, बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये आटा तैयार हो चुका है, ना ही तो बहुत हार्ड है और ना ही तो सॉफ्ट है। अब इस आटे को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, हमारा आटा भी फूल जाएगा और हमारी जो सब्जी है वो भी अच्छे से ठंडी हो जाएगी। तो 10 मिनट बाद देखिए, हमारा आटा अच्छे से फूल चुका है फ्रेंड्स। अब इसे हम दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। अब एक भाग का हम लंबा लंबा करके इसको इस तरह से और इसकी गोल गोल पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे। तो करीब 8 से 9 पेड़े हमारे इसमें तैयार हो जाएंगे। इन पेड़ों को भी हमें फ्रेंड्स बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं बनाना है, इसे भी हमें मीडियम ही रखना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर करीब 9 पेड़े बना करके तैयार कर लिया है। अब इन्हें हमें बेलना है, बेल करके रोटी की तरह बनाना है। अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से लगा लेंगे ताकि हमारी रोटी अच्छे से बेल सके। तो मैंने इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है और इस तरह से हम सारी रोटियों को बेल करके रख लेंगे।
तो मैं आपको रोटी की थिकनेस भी दिखा दे रही हूँ, बहुत पतली भी नहीं और बहुत मोटी भी नहीं। इस तरह की हमारी रोटी बिलनी चाहिए और सभी रोटी का साइज आप ट्राई कीजिएगा, एक समान हो, बड़ी छोटी ना हो। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी रोटियों को बेल करके तैयार कर लिया है। अब एक रोटी हम लेंगे और जो हमने फिलिंग ठंडी करके रखी है ना, उसे इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे। कोई घी तेल वगैरह कुछ भी इसके अंदर हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स देखिए अभी तक हमने बहुत ज़्यादा तेल नहीं यूज़ किया है, एक चम्मच तेल हमने फिलिंग बनाने में यूज किया है और एक चम्मच तेल हमने आटे में डाला था। तो इस तरह से हम एक के ऊपर एक रोटी रखते हुए और थोड़ी थोड़ी सब्जियों को फिलिंग को इस तरह से चारों तरफ फैलाते हुए, ताकि जब इसे हम फोल्ड करें ना तो सब्जियां चारों तरफ एकदम अच्छे से बराबर हो। तो इसी तरह हम सारी रोटियों को एक के ऊपर एक रख के थोड़ी थोड़ी फिलिंग डालते हुए पूरा तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 8 रोटी को एक साथ रखा है। जो ऊपर की लास्ट वाली रोटी है ना फ्रेंड्स, उसके ऊपर भी हम थोड़ी फिलिंग लगाएंगे एकदम अच्छे से। अब सभी को पकड़ के इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। देखिए एक तरफ से हमने इस तरह से सावधानी से हमें फोल्ड करना है फ्रेंड्स, अब दूसरी तरफ से भी इसे उठा करके हमें अच्छे से फोल्ड कर लेना है। ऐसा होना तो थोड़ा सा मेरी तरह आप भी नीचे आटा डाल लीजिएगा, ताकि वो चकले पे लास्ट वाली रोटी चिपके ना। तो इस तरह से हम इसे दबा देंगे अच्छे से और ऐसे इसे पैक कर देंगे। एकदम बढ़िया से इसे हमें पैक करना है फ्रेंड्स, कोई भी तेल वगैरह का यूज नहीं करना है, बस खाली सिंपल सा पैक कर देना है और चारों तरफ से इसे चौकोर सा बना लेना है। तो देखिए मैंने इसे हाथ से ही ऐसे चौकोर सा बना लिया है एकदम बढ़िया सा। आप चाहें तो थोड़ा सा बेलन से भी दबा सकते हैं, लेकिन बेलन से दबाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, अपने आप इसे हाथ से इस तरह से फैलाते हुए हम बना लेंगे। अब दूसरी तरफ फ्रेंड्स मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रखा है, अब इसे हमें स्टीम करना है फ्रेंड्स। आप चाहें तो किसी कढ़ाई में थाली में भी कर सकते हैं या स्टीमर में भी कर सकते हैं। तो मैंने ये स्टीमर की प्लेट ले ली है और इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे हम फ्रेंड्स। इसके बाद हम अपना ये डो उठा करके जो तैयार किया है हमने इसमें रख देंगे और कढ़ाई में इस तरह से रख देंगे इसको। अब इसे हमें 15 से 16 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने देना है। इसे 15-16 मिनट ज़रूर रखिएगा फ्रेंड्स, ताकि ये अच्छे से अंदर तक एकदम अच्छे से पक जाए, स्टीम हो जाए। तो देखिए 15 मिनट के बाद मैंने इसे देखा तो बहुत ही बढ़िया से देखिए फूल भी जाता है थोड़ा सा और अच्छे से पक जाता है। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और थाली को बाहर निकाल लेंगे फ्रेंड्स। इसे थोड़ा सा अब 2-3 मिनट के लिए हम ठंडा होने देंगे, नहीं तो नीचे की लेयर है ना वो चिपक सकती है। तो देखिए मैंने अच्छे से सावधानी से नीचे की लेयर को भी निकाल दिया है। अब एक पैन लेंगे फ्रेंड्स, इसको एकदम बढ़िया सा ऊपर से क्रिस्पी हो इसलिए एक तड़का लगाएंगे। तो एक चम्मच तेल मैंने फिर से ले लिया है फ्रेंड्स, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच या थोड़ा सा कम राई डालेंगे। थोड़ी सी मैंने करी पत्ता डाला है लंबा लंबा काट करके और थोड़ी सी लाल मिर्च को भी मैंने लंबा लंबा करके डाला है, थोड़ी सी हरी धनिया। अब इसे अच्छे से इसकी हम सिकाई करेंगे, ताकि ये ऊपर से ना ब्रेकफास्ट बहुत ही बढ़िया सा क्रिस्पी बन जाए। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा ब्रेकफास्ट बन करके तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। इसको चारों तरफ से हम दबा दबा करके अच्छे से सिकाई करेंगे एकदम बढ़िया से चारों तरफ से। अभी अच्छे से सिक चुका है फ्रेंड्स, तो इसे हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो किसी चटनी के साथ सर्व कीजिए, या तो ये ऐसे ही बहुत बढ़िया लगता है, चाय के साथ भी ये बहुत बढ़िया लगता है। लीजिए इसकी लेयर देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया और टेस्टी सी लेयर बनी हुई है फ्रेंड्स। एक एक लेयर इसका खिला हुआ है। अभी ये बहुत गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होगा तो और इसकी लेयर्स खुल जाएंगी। तो है ना फ्रेंड्स इजी टू मेक रेसिपी। दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।